धर्म है संयम और शील, रहनी है अहिंसा। कबीर साहब की वाणी में है, पूर्ण प्रकाश इसमें है और दुनिया के समस्त शास्त्रों में भी अपने अपने ढंग से यह बात है। हम लोग आपस में विभाजित हो जाते हैं, अनेकता में एकता का सूत्र नहीं देखते हैं। अनेकता में एकता का सूत्र, जितने लोग यहां बैठे हैं सबके चेहरे में अंतर है, सबकी आवाज में अंतर है, सबके गुणकर्म स्वभाव में अंतर है, सबकी मान्यताओं अवधारणाओं में अंतर है, लेकिन सबके अंदर में जो सुख दुख की अनुभूति होती है वही है। और सब लोग सुख से भागना चाहते हैं, सुख चाहते हैं। एक ही बात को हम समझ ले, दुख कोई नहीं चाहता, दूसरे को दुख देना बंद किए बिना हम सुखी कैसे हो सकते हैं। जो दूसरे को दुख देगा दुख पाएगा। कबीर साहब ने कहा, जीव मत मारो बापुरा, सबका एक है प्राण, हत्या कबहु न छूटी है, कोटिन सुनो पुराण। जीव घात ना कीजिए बहुर लेत वे कान, तीरथ गए न बाँची हो कोट हिरा दियो दान। न तीरथ से पाप कटेगा, न दान से पाप कटेगा, न पुराण सुनने से पाप कटेगा। जीव हत्या महापाप है। कबीर साहब केवल गोवध बंदी की बात नहीं करते, हिंसा बंदी की बात करते। हिंसा मत करो, किसी की हिंसा मत करो। भारत में गोवध बंदी की बात उठती है, भारत के लोग गाय को पुराकाल से पूजते रहे हैं। अरबी में भी आता है बकरीद, बकर ईद, बकर का अर्थ होता है गो, गो से अर्थ होता है गाय और बैल दोनों, ईद खुशियाली उत्साह, पूजनी पूजना, बकर ईद गो पूज्य, इसका अर्थ होता है बकर ईद गो पूज्य। कुरान में आता है कि तुम्हारे दिए हुए गोश्त और खून खुदा तक नहीं पहुंचता है, परहेजगारी पहुंचती है। वैदिक परंपरा की पुस्तकों में यज्ञ विधि में जितनी पशुवध का वर्णन है, कुरान में तो नाम मात्र भी नाम मात्र है। वैदिक परंपरा में तो बहुत पशुवध था, लेकिन विचारों की उदारता के कारण धीरे धीरे सुधर गया। विचारों की उदारता हुए बिना परिवर्तन नहीं आ सकता। आज भी देवी देवता के नाम पर हिंदुओं में भी पशु काटे जाते हैं। ईश्वर और देवता तो से हम यही अपेक्षा करते हैं कि वो दयालु होगा, और किसी दयालु को खुश करने के लिए किसी निरपराध जानवर के गले पर छुरी रेती जाए, ये बात समझ में नहीं आती। कोई भी सज्जन किसी की हत्या देख करके घबरा जाएगा, रोक पाएगा रोकेगा, नहीं तो वहां से हट जाएगा। नियम यही है कि अगर किसी को कोई सताता है तो रोकिए, न रोक पाइए तो हट जाइए। पहली बार ऐसी घटना मेरे सामने हुई थी कलकत्ता में। जब पहली बार मैं कलकत्ता में गया तो वहाँ के भक्त ने स्थानीय जगहों को दिखाया, और काली का मंदिर तो मेरे निवास के पास ही था, गया बकरे और पड़वे को स्नान कर करा कर फूल माला पहना कर पंडित के सामने लाए। पंडित ने वेद मंत्रों से अभिषेक किया और उनके मस्तक में टीका लगा दिया और
ऑर्डर दिया ले जाओ आंगन में, लोग के सिकजे थे उसमें फंसा के गला तलवार से काटा जाता था। जब लाए गला फंसाने लगे तो हम लोग हट गए, क्योंकि रोग तो सकते नहीं थे। तो इस परंपरा में भी आज भी है, लेकिन पहले की अपेक्षा बहुत घट गया। दूसरी परंपराओं में शोधन नहीं करते, और ऐसे ऐसे त्यौहार होते हैं जिसमें पूरे संसार में करोड़ों जानवर काट दिए जाते हैं। अखबार वाले लिखते हैं कि बड़ी खुशी से, बड़े आनंद से, बड़ी शांत से त्यौहार मनाया गया, क्योंकि जानवरों के पास जवान नहीं वो अखबार वालों से कह सके। ईश्वर और देवता किसी की हत्या अगर पसंद करते हैं तो ऐसे ईश्वर देवता क्या मतलब होगा। सब मनुष्य का षड्यंत्र है, धार्मिक भी बने रहे और मांस भी खाते रहे। बामार्गी लोग शराब भी पीते रहते हैं। जब मोरारजी देसाई ने शराब पर पाबंदी लगाने की चेष्टा की थी तो ऐसे लोगों का दल विरोध किया था कि हमारे धर्म पर आक्षेप हो रहा है, धर्म निरपेक्ष राज्य में ये भी धर्म है, शराब पियो ये भी धर्म, पीत्वा यावत पतित भूतले, पियो पियो जब तक जमीन पर गिर न जाओ। 5 बार अगर शराब पी करके जमीन पर गिर जाओ पुनर्जन्म न विद्यते, फिर पुनर्जन्म नहीं होगा। संस्कृत भाषा में लिख दिया गया, भाषा क्या दोष है। संस्कृत भाषा को देव भाषा लोग कहते हैं। संस्कृत में गाली भी दी जा सकती है, आशीर्वाद भी दिया जा सकता है। तो इस प्रकार अनर्थ चलता है। अमेरिका वाले गाय नहीं पूछते, लेकिन वे गाय का पोषण बहुत करते हैं। उनकी गायें बलवान, खूब सेवा करते हैं। जब काटते हैं तो काट देते हैं। और हमारे यहाँ गाय की पूंछ तो जरूर पकड़ी जाती है पूजना के लिए, लेकिन जीवन भर उसको काटते हैं, सूखा चारा दे दिए, खिलाने पिलाने कोई प्रबंध नहीं, मच्छरों से बचाव कोई प्रबंध नहीं, कीचड़ में खड़ी कर दिए। गो पूजक है हिंदू लोग, भारत में गो पूजा होती है। काठमांडू में जब पहली बार मैं गया था तो गोवध बंदी वाले गो पूजकों ने एक सभा की थी वेद विद्या मंदिर में, तो मुझे ले गए थे। तो मैंने ये कहा, अध्यक्ष महोदय काफ़ी मत उठे, उन्होंने कहा बड़ा अच्छा कहा, हिंदू गाय पूजते हैं फूल चढ़ाकर और जीवन भर उसको काटते हैं रेतते हैं। सब नहीं, अधिकतम भारतवर्ष में पशु की सेवा कितनी है, सुखी सुखी गायें। कौन रोकता है, कौन नेता इसको रोकता है कि गायों को तुम चारा ना दो। और गायें आप अपने घर रखें बूढ़ी हो जाएं, बूढ़े माता पिता को तो बेच नहीं देते हैं, तो गाय को भी रखें, कैसे कसाई ले जाएगा। ये गोवध करने वाले हिंदू हैं, सब मुसलमान नहीं है। एक कपा देने वाली बात मैं कहूं, लखनऊ से एक बड़े अफसर आए थे इलाहाबाद काम से, तो मुझसे मिलने आ गए, कभी मिले नहीं थे, लेकिन एक दूसरे वकील से परिचय पा करके वो भी साथ में आए। और वे उस विभाग के बड़े अफसर थे प्रदेश स्तर के, जो अनधिकृत पशुओं को कसाई खाने में ले जाने वालों को पकड़ता है। तो उन्होंने बताया, महाराज अमुक अमुक के द्वारा भेजी गायें, मैंने 500-600 गायें पकड़ी हैं, उनका नाम मैं लूँ तो आप लोग जान जाएंगे, भारत प्रसिद्ध है, जो गोवध बंदी के हिमायती हैं और कहते हैं कि गोवध बंद होना चाहिए, उनके नाम है, नाम लेना उचित नहीं।
गायों को हांकने वाले तो मुसलमान थे, लेकिन करामात सब उनकी थी जो गोवध बंदी का ढोंग करते। कितना दुखद है, दक्षिणी भारत में एक विशाल कसाई खाना है जिसका मालिक भारत प्रसिद्ध अहिंसा धर्म वाले का सदस्य है, उसका भी नाम क्या लो, ये कितनी पोल पट्टी है, दयनीय दशा है। हम दोष देते हैं केवल सरकार का, आप लोग हिंदू लोग मानो मुसलमान बेच दे, थोड़ी गाय जाएंगे, हिंदू तो बहुत ज़्यादा हैं। हिंदू लोग अपने गायों को पालें पोसें, जब वे बच्चा और दूध देना बंद कर देते भी पालें पोसे, गोबर तो देंगे ही, उनकी सेवा करें। आप ही तो बेचते हैं, कसाई कहाँ से ले जाते हैं? बुनियादी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, हल्ला किया जाता है, गोवध बंदी का नारा लगा, जब चुनाव आता है तब ज़्यादा तो हल्ला किया जाता है। लेकिन केंद्र में जो भी पार्टी बैठी हो सबका उत्तर एक है। गोवध बंदी की नारा लगाने वालों ने मुझसे कहा था समय समय से, इंदिरा ने वही उत्तर दिया था और कट्टर गांधीवादी मुरारजी देसाई ने भी वही उत्तर दिया था और अटल जी ने भी वही उत्तर दिया था, सब ने वही उत्तर दिया, क्योंकि उनके सामने भी मजबूरियां हैं। तो दोष हमें नेताओं को देने की जरूरत नहीं है, अपने को सुधारने की जरूरत है। हम लोग खुद गायों का पालन पोषण करें, जो बच्चे और दूध नहीं देती हैं गायें वे भी अर्थ देती हैं, पालिए पोसिए, जितने खाद देंगी बहुत रहेगा। माँ बाप को कोई बेचता है? गाय बैल को क्यों बेचते हैं? अब आजकल जमाना तो आ गया ट्रैक्टर का और परिवर्तन हो गया, गाय की आवश्यकता है, बछड़े की आवश्यकता नहीं। ये हवा, ये सब का समाधान क्या होगा इसके विषय में तो उसमें ज़्यादा समझने वाले ही कुछ कह सकते हैं, लेकिन यहाँ से निवेदन तो यही है कि प्राणी हत्या अपराध है, पाप है, किसी प्राणी को काटना पाप है, बकरे मुर्गे भैंस बैल गाय कोई भी जानवर काटना पाप है, किसी जीव को तकलीफ मत दो। मांस की सप्लाई बहुत दिनों से हो रही है, भारत से बाहर जा रही है, इसकी सप्लाई हो रही है, आज नहीं, नए नए कानून बनते हैं, मांस की सप्लाई जब करना होगा तो और काटना पड़ेगा, काटा जाता है, खूब काटा जाता है। वो वकील मुझसे आकर के बताया, बड़े कसाई खाने में जाके देखा था, फिर बताता था कि साहब चित्र ला के मैं आपके सामने कर दूं। मैंने कहा भाई चित्र देख करके तकलीफ होगी ना लाओ। उसने कहा साहब कसाई खाने में मैंने देखा, ब्राह्मण लड़का था इलाहाबाद का, एक जज का पुत्र और स्वयं बड़ा मेधावी, वकालत उसने छोड़ दिया क्योंकि उसमें झूठ बोलना पड़ता, तो ये जीव दया वाला अंश उसने लिया। तो कहा साहब मशीनें ऐसी लगी रहती हैं, हड्डी अलग मांस अलग चाम अलग रक्त अलग सबकी सप्लाई, इतना बड़ा व्यवसाय है। सरकार की लीला शराबबंदी के विषय नशाबंदी का अभियान चलाएगी और शराब के लिए लाइसेंस देगी। छत्तीसगढ़ में देखिए गली गली में शराब की दुकान, आपका ध्यान किधर है? मधुशाला इधर है। नशाबंदी का अभियान सरकार चलाएगी और शराब बनाने और बेचने का लाइसेंस देगी, चाहे कोई सरकार आवे, पार्टी का नाम लेने की जरूरत नहीं, बोतल अलग अलग है शराब एक है। ये जो आते हैं तो ये गोवध बंदी का गोरक्षा के विषय में एक लीडर खड़ा कर देते, नाम दे देते, अभी पवन दीवान किए गए थे, पता नहीं समय है कि नहीं, उड़ की तरह, उड़ जानते हैं, जानवरों को भगाने के लिए किसान लोग खेत में लकड़ी गाड़ देते हैं और बेड़ी लकड़ी उसमें कर देते हैं, कुर्ता पहना देते हैं,
जिससे जानवर जाने कि ये मनुष्य भाग जाए, उसको ऊढ़ कहते हैं अवध क्षेत्र में। तो ऊढ़ के रूप में एक खड़ा कर देते हैं गोरक्षा आंदोलन के लीडर, उधर दूसरा काम हो रहा है। सरकार भी पशुपेश में है, पहले की दशा ही है। मनुस्मृत में क्या लिखा गया, न मांसो क्षणे दोषो न मध्य निथुने प्रवृत्त रेशा भूता नाम निवृत्त महाफल। मांस भक्षण करने में कोई दोष नहीं है, मदिरा पीने में भी दोष नहीं, मैथुन करने में भी दोष नहीं, हाँ इससे अलग रहे तो अच्छा है, महान फल है। ये मिली जुली बात क्यों, ये राजनीति की बात है। सांप मरे डंडा न टूटे, बचा बचा के चलो। सरकार से आशा करना ये हम करवा लेंगे बहुत मुश्किल है। मेरी तो अपील है कि आप लोग अपने जानवर को अपने घर में रखें, पालें पोषें, सेवा करें, दूध और बछड़े देना बंद कर दें तब भी पालें पोषें, और उससे आपको घाटा नहीं होगा, खाद होगी। ये काम बुनियादी है। गौशालाएं काम में आती हैं। एक बड़ी बड़ी गौशाला में हिंदू और बड़े गोबदबंदी के पक्षधर से उसी ने कहा, जो गायों को पकड़ता है अनधिकृत गायों को, कुछ गायें तो अधिकृत होती हैं भाई, जाओ कारखाने में भेज दो कटें, और कुछ अनधिकृत होती हैं उनको पकड़ता है, और पकड़ने तो अधिकार उसका नहीं है। तो उसने उनको कहा, आपके गौशाले में मैं 100 गाय देना चाहता हूँ, पकड़ी गई हैं। तो कह, लेकिन उसमें दुधार और बछड़े वाले हों तो दीजिए, नहीं तो बटोर के मैं क्या करूँगा, वहाँ भी इनकम की बात है। तो पोल पट्टी तो अपने में है, गो भक्तों में भयंकर पोल पट्टी है। साधुत्व का पतन कौन करता है, साधु, जो गड़बड़ साधु है साधुत्व का पतन करता है। और गोरक्षा आंदोलन की अपेक्षा गोरक्षा करना शुरू कीजिए, स्वयं पालिए पोसिए, मांस खाना छोड़िए, गाय के साथ भैंस और भैंसे पर भी दया कीजिए, बकरी और मुर्गी पर भी दया कीजिए। एक मुर्गी बेचने वाला मुर्गी लड़का रहे जवान, निकाले लोग कहें काट करके दो, ऐसे काटा बस एक उंगली कट गई, ओ पकड़ तन 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 कर रहा, मार परेशान, दिन भर वो काटता है, और एक उंगली थोड़ी सी कटी वो तल बनाने लगा। अपना स्वयं समझो कि हमें कष्ट होता है, किसी जीव को मत सताओ, मांसाहार का त्याग करो, अंडा का त्याग करो, शाकाहारी अंडे तो शाकाहारी मांस भी शुरू हो जाएगा, जो रजवीर से बनता है शाकाहारी कैसे, माना कि रजवीर के बिना भी अंडे बनते हैं, लेकिन कोष्ठ वो कोष्ठ का विकार है, वो खाने की चीज नहीं है। शुद्ध शाकाहारी बनो और नशा का सर्वथा परित्याग करो। बीड़ी पीने से क्या फायदा होता है, गुटखा खाने से क्या फायदा होता है, गुड़ाखू ने और चौपट किया है, अनेक प्रकार के दुर्व्यसनों से ग्रस्त ये देवियां नशा से दूर थी, लेकिन गुड़ाखू ने इनको भी लपेट लिया है। गुड़ाखू का एकदम त्याग करो, देवियां सावधान, ये देवताओं के लिए ही रहने दे, ये देवताओं तो ठिकाना नहीं है क्या क्या करते हैं। देवियां आज भी बहुत पवित्र हैं। नशा का सर्वथा पान भी मत खाओ, पान से मुख खराब होता है। कबीर साहब ने कहा, हवी नबी नबी के कामा, जानो अमल हो सुबह हरामा। जितने अमल हैं आदत सब हराम करने योग्य, त्यागने योग्य, दुर्व्यसन मुक्त जीवन होना चाहिए। सदाचारी, दयालु, करुणाशील मनुष्य केवल मनुष्य है। समाजशास्त्रियों ने मनुष्य में तीन भाग किया, यूरोपा मंगोला निग्रोसम,
यूरोपा जो गोरा रंग लेके हो, निग्रोसम जो काले हो, मंगोला जो लाल रंग लेकर के हो। लेकिन समाजशास्त्रियों ने बताया ये देश काल और जलवायु के कारण है, मौलिकता में अंतर नहीं। यूरोपा मंगोला निग्रोसम में परस्पर गर्भाधान होता है, गाय से और भैंसे से गर्भाधान नहीं होता है, सुअर से और बकरी से गर्भाधान नहीं होता है। लेकिन इस भूमंडल के किसी कोने के नर और किसी कोने की नारी से गर्भाधान होता है। इसलिए मनुष्य में दो जाति नहीं, एक जाति है, इसको पहचानो और मनुष्य बनो। मनुष्यता की आवश्यकता है। पंडित देखो हृदय विचारी को पुरुषा को नारी, सहस समाना घट घट बोले वाके चित्त अनुपा, वाको नाम कह कह लीजिए ना वाके वर्ण रूपा, तय मैं क्या करसी नर गौरे क्या मेरा क्या तेरा, राम खुदाए शक्ति शिव एक है कह दो काह नहीं हो रहा, वेद पुराण कितेब कुराना नाना भांति बखाना, हिंदू तुर्क जैनी और योगी ये कल काहो न जाना, हिंदू तुर्क जैनी योगी इस अनेकता के बीच में एकता की मधुरता को नहीं समझ पाते, खींचतान करते। मनुष्य बनो मनुर्भव जनया दिव्यम जन्म, मनुष्यता का विकास करो, सांप्रदायिकता को दूर करो। देश बहुत बड़ा है, विश्व बहुत बड़ा है, भूमंडल बहुत देश है, बहुत प्रदेश है, बहुत क्षेत्र है, भिन्न भिन्न देश काल में महापुरुष होते हैं, अपने अपने काल के अनुसार सूझबूझ के अनुसार समाज को सुधारने का वे प्रयास करते और उसके पीछे संप्रदाय बन जाता है। कुछ महापुरुष संप्रदाय बना देते हैं, अधिकतम तो लोग बना देते हैं, जो नहीं बनाते हैं उनके पीछे बन जाता है। कबीर साहब के विषय में तो ये माना जाता है उन्होंने संप्रदाय बनाया नहीं, पूरा बीजक आप पढ़िए, कबीर पंथ शब्द नहीं, कबीर पंथ की कोई नियमावली नहीं, प्राप्त विचारों पर समीक्षा है और सत्य का उद्घाटन है। पूरा बीजक पूरा ग्रंथ पूरी वाणी सार्वभौमिक है, लेकिन कबीर पंथ बना कि उसमें बहुत लोग हो गए तो पंथ बना। अधिकतम महापुरुष तो पंथ संप्रदाय बना देते हैं, बना देना बुरा नहीं, पंथ बनते हैं, संप्रदाय बनते हैं, मजहब बनते हैं, बदलते हैं और शून्य भी हो जाते हैं, नए बनते हैं। उपासना पद्धतियों में परिवर्तन होता है। दशहरे में श्री राम का महत्व बहुत ज़्यादा बहुत दिनों से था, अब दुर्गा जी उनको किनारे कर रही हैं, दुर्गा जी ज़्यादा अधिकार जमा रहे हैं। संतोषी माता को सिनेमा वालों ने दिया और यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ है संतोषी माँ, संतोषी माँ के मंदिर बन गए। आप लोग तो बार बार ईश्वर और देवता बनाते रहते हैं, नए नए ईश्वर नए नए देवता, तो ये सब मजहब की चीज़ें बनती बिगड़ती रहती हैं। लेकिन खास बात क्या है जीवन में, आप कौन हैं, आप क्या कर रहे हैं, किस बीच में है, जहाँ है वहाँ आपका संबंध कितना है, शरीर के अंत होने पर क्या रहेगा, जीवन का लक्ष्य क्या है, इन बातों पर सोचें। आप जड़ नहीं है, चेतन है। जड़ और चेतन दो मूल वस्तुएं हैं। जड़ उसे कहते हैं जो खुद को न जाने और दूसरे को न जाने, चेतन उसे कहते हैं जो खुद को जाने और दूसरे को भी जाने। आप चेतन हैं, खुद को जानते हैं दूसरे को भी जानते हैं। मिट्टी खुद को नहीं जानती, दूसरे को भी नहीं जानती। जल आग हवा आकाश ये जड़ है, आकाश शून्य है, आकाश कोई पदार्थ नहीं, उसमें कोई परमाणु और क्रिया नहीं, इसलिए मिट्टी पानी आग हवा ये चार ही द्रव्य हैं। और ये जड़ है, इनको जानने वाला चेतन है। चेतन एक नहीं अनेक है, आत्मा एक है का अर्थ है क्वालिटी में, क्वांटिटी में नहीं, गुण में एक है।
व्यक्तित्व बिना है। व्यक्तित्व अलग अलग है, सभी आत्माएं अलग अलग है। आप चेतन आत्मा अमर है, क्यों अमर है? जड़ से आप नहीं बने, जड़ से बनते तो जड़ होते, चेतन कैसे होते? कारण गुण पूर्व का कार्य गुणों दृष्ट, कारण के गुण पूर्वक कार्य में गुण देखे जाते हैं। कारण से कार्य बनता है तो कारण में जो गुण है वही कार्य में होगा। अगर शकर का शरबत बनाया जाए तो मीठा होगा, और खटाई का शरबत बनाया जाए तो खट्टा होगा, मिर्चा का बनाया जाए तो कड़वा होगा। जड़ से जो होगा वह जड़ होगा, चेतन कैसे होगा? चेतन अलग है, जड़ अलग है। आप चेतन हैं, अमर हैं। आप आज ही नहीं, कल भी थे, परसों भी थे, 10 वर्ष पूर्व भी थे। अगर कोई 80 वर्ष का व्यक्ति है तो 70 वर्ष पूर्व की बातों को याद करता है। स्मरणों का धारक, यादगिरियों को संभाल करके संजो करके रखने वाला कौन है? यह स्थायी आत्मा। आप स्थिर आत्मा, आत्मा कहते, रूप कहते, सोल कहते, तो शब्द है। शब्द देश काल में बनते हैं लेकिन वस्तु देश काल में नहीं बनती। जो मूल वस्तु है वो नित्य रहती है। मूले मूला भावाद मूलम मूलम, कपिल जी महाराज ने कहा कि मूल में मूल न होने से अमूल होता है मूल। पेड़ की जड़ होती है, जड़ की जड़ नहीं होती है, जड़ बिना जड़ के होती है। जड़ और चेतन दोनों मूल हैं, और इनका मूल और कोई नहीं है, ये दोनों नित्य हैं। आप चेतन आत्मा और अमर है, इसी जीवन में आप अनुभव करते हैं। सबको जानने वाला, सबको समझने वाला, सबका साक्षी, जागृत अवस्था में आप सारा प्रपंच देखते सुनते और करते हैं। मैं खाता हूँ, मैं आता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं ये काम करूँगा, मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं कहने वाला। जागृत अवस्था भर में अपनी हयता, अपने अस्तित्व बोध के साथ सारी क्रियाओं को करता है। जब वो सोता है, पूरी नींद नहीं आती है, तो सपना होता है। सपने में कौन सपना देखता है? आप। उठ करके लोग सपने का बयान करते हैं, सपने का बयान नहीं करना चाहिए। सपना, सपने में 1 करोड़ रुपए पाए और नींद खुली तो 1 कौड़ी नहीं है, क्या ऐसा बयान? सपने की चिंता ही मत करो, स्वप्न विचार भी रखा गया है, बकवास है सब, स्वप्न विचार मत करो। स्वप्न में आप साक्षी हैं, दृष्टा हैं, चेतन हैं, और सारे प्रपंचों को आप जानते हैं, स्वप्न के आभासों को। जब गाढ़ी नींद में जाते हैं तो सब भूल जाता है, सुख से सोते हैं, जागते हैं तो कहते सुख से सोया। सुख से सोने का अनुभव किसको हुआ? आपको। सुसुप्ति इसीलिए उसको कहा जाता है, सुसुप्ति का अर्थ होता है अपने को पा जाना। ये उपनिषद में इसकी परिभाषा दी गई है, छांदोग्य उपनिषद में श्वेत केतु को समझाते हुए उद्दालक ने बताया है, सुपिति सुपिति सुसुप्ति, स्व अपीत सुसुप्ति, स्व नाम खुद अपीत नाम पाना, अपने को पाना सुसुप्ति। जागृत अवस्था में हम प्रपंच को प्राप्त होते हैं, स्वप्न अवस्था में प्रपंच के प्रतिबिंबों को प्राप्त होते हैं, और सुसुप्ति में अपने को प्राप्त होते हैं। गोस्वामी जी ने एक दोहा कहा है, जीव शिव सम सुख सयन, सपने कछु करतूति, जागृत दीन मलिन सोई विकल विषाद विभूति। जीव शिव सम सुख सयन, जीव जब सुख से सोता है तो शिव की तरह रहता है, मंगलमय आनंदमय, गाढ़ी नींद में कोई क्लेश नहीं। सपने कुछ करतूति, स्वप्न में कुछ करतूत प्रपंच करता है और दुखी सुखी हो जाता है। जागृत दीन मलिन सोई, वही जागते ही दीन और मलिन हो जाता है, विकल विषाद विभूति। जीव के पास किसकी विभूति है? विषाद की, दुख की, पीड़ा की, संताप की। नींद खुली दुख स्वरूप, किसी से बैर, किसी से मोह, घृणा, ईर्षा, द्वेष, कामनाएं, तृष्णाएं, वासनाएं, और उसको लेकर के चिंता,
और उसको लेकर के नाना अपराध। दोष जितने उग्र होंगे अपराध उतने उग्र होंगे। लोभी आदमी अपने धन को बटोर के रखेगा, खर्च कम करेगा, पैसा पैसा बटोरेगा, ज़्यादा लोभ होगा तो दूसरे के हक को भी मारेगा, और ज़्यादा लोभ होगा तो दूसरे के हक को मारने के लिए वो छुरा कटारी भी प्रयोग करेगा, और ज़्यादा लोभ होगा तो डाका भी डालेगा। काम वासना प्रबल है तो अपने गृहस्थी में जिसको कहते हैं उसी में वो पचेगा, ज़्यादा पच पच के अपने को तकलीफ देगा, और ज़्यादा होगा तो मर्यादा विरुद्ध करेगा, दूसरे की बहू बेटी पर कुदृष्टि करेगा, और ज़्यादा बढ़ेगा तो उसके लिए हत्या भी करेगा, दूसरी की लड़कियों को उड़ाएगा भी। इंद्रियों की लंपटता जितनी बढ़ेगी पाप उतना बढ़ेगा, और जितना पाप बढ़ेगा मन का मवाद बढ़ेगा। जो चोरी करते हैं, हत्या करते हैं, व्यभिचार करते हैं, डाका डालते हैं, गबन करते हैं, सामूहिक हत्या करते हैं, वो तो भयभीत पीड़ित अशांत जीवन उनका शैतानियत का है। लेकिन जो ये सब काम नहीं करते, कमाते खाते हैं, ईमानदारी से रहते हैं, वे इस तरह से उलझे नहीं रहते, लेकिन दुख से सर्वथा मुक्त वो भी नहीं रहते, क्योंकि काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष तो है। दूसरे का हक नहीं मारते हैं, दूसरे की जान नहीं मारते हैं, पराई बहू बेटी पर कुदृष्ट नहीं करते हैं, लेकिन काम वासना क्रोध लोभ मोह ये मन में है तो पूरा सुखी वो भी नहीं हो सकते। काम क्रोध लोभ मोह को काफ़ी जीत लिया, संयमी हो गए तो उनका दुख बहुत घट जाएगा, लेकिन पूरा दुख नहीं घटेगा। पूरा दुख घटेगा जब सारी तृष्णा समाप्त हो जाएगी, सारी वासना छीर हो जाएगी, सारी कल्पनाएं, सारे मनोविकार नष्ट हो जाएंगे, तब दुख का पूरा अंत होगा। हमारे जीवन का फल है दुख की पूर्ण समाप्ति कर देना, दुखों से मुक्त हो जाना। ये तब संभव है जो ऐसा काम करने वाले और समझने वाले हैं उनकी शरण में जाए, उनसे समझा जाए। अगर आप अच्छा वकील बनना चाहते हैं तो अच्छे वकील के साथ प्रैक्टिस करें, अच्छा डॉक्टर, अच्छा विद्वान, यहाँ तक कि चोर बनने के लिए बड़े चोर के साथ प्रैक्टिस करना पड़ता है। अपना रखा हुआ माल कभी कभी अपने खुजर से नहीं मिलता है कई चीज़ें, और चोर मिनटों में काम करते हैं, और जहाँ जाते हैं वहाँ कभी गए नहीं, और अधियारम करते हैं और मिनटों में काम करके चल देते हैं। इसलिए चोरत्व भी एक गुण है जो दोष है, और चोर बनने के लिए भी बड़े चोर का साथ करना पड़ता है। तो कल्याण के लिए गुरु की आवश्यकता कैसी नहीं है, गुरु पीर कुछ कहो उस्ताद, जो दुख से मुक्त हो, जो दुख से मुक्त होने का रास्ता बताए, ऐसे गुरु की शरण की जरूरत है। वो किस संप्रदाय का है, संप्रदाय से मतलब नहीं, संप्रदाय वालों ने बहुत धमा चौकड़ी की है, और इन लोगों ने दादागिरी कायम करने के लिए अलौकिकता का जाल बिछाया है। हमारे मत से केवल स्वर्ग होगा, दूसरे मत से नहीं होगा। जो हमारे मत में दीक्षा लेगा वही मोक्ष पाएगा, दूसरे मत वाला नहीं पाएगा। ये धोखाधड़ी की बात संप्रदायों में व्याप्त, और ये उसके पीछे यह है कि हमारा महापुरुष अलौकिक है, ईश्वर के थ्रू आया है, यह ईश्वर है। ये ईश्वर का पर्दा डाल करके जो जो पाप हो रहा है, हत आगे ईश्वर का पर्दा और पीछे पाप, क्या ईश्वर की ही परिभाषा है? हर मत वालों ने अपने अपने ईश्वरों को डांट दिया है कि हमारे ही संप्रदाय वालों को कल्याण करना, दूसरे को नहीं करना, और ईश्वर बेचारा चुप बोल भी नहीं सका। ईश्वर इतना दीन हो गया है कि असहाय है, अपने भक्तों से कुछ कह नहीं पा रहा। जैसे घर का मालिक बूढ़ा हो जाए,
उसी ने मकान बनाया, उसी ने सब कुछ किया, लेकिन अब असमर्थ होकर किनारे बैठा है। और बच्चे इतने उद्दंड है, उसका काहे नहीं मानते हो, बेचारा चुपचाप दुख घूट पीता है। ईश्वर की दशा ऐसे हो गई, ईश्वर एक किनारे पड़ा है, उसकी बात कोई मानने वाला नहीं। ये ईश्वर के भक्त जो कहलाते हैं, एक दूसरे को नास्तिक और काफिर कहते हैं। नास्तिक कौन, मेरी पुस्तक है कबीर दर्शन का एक संदर्भ है, अलग विचार दिया गया नास्तिक कौन। अगर विचार करके देखिए तो दुनिया में सब नास्तिक है। आपके ख्याल से मैं नास्तिक, मेरे ख्याल से आप नास्तिक। तीन नमाजी नमाज पढ़ते थे, नमाज पढ़ते पढ़ते एक बोल दिया, दूसरे ने कहा यार नमाज पढ़ते कहीं बोला जाता है, तीसरे ने कहा आप भी तो बोल दिए, तो चौथा अलग बैठा था कहा वहां से आप भी तो बोल दिए। तो हम आपको नास्तिक कहते, आप हमें नास्तिक कहते हैं, सब मिला करके सब नास्तिक। नास्तिक और काफिर शब्द है, ये दूसरे मत को देने के लिए गाली है। दुनिया में एक भी नास्तिक और काफिर मैंने नहीं पाया। जो नैतिकता को न माने वो नास्तिक है, और नैतिकता को कौन नहीं मानता, सभी मानते हैं। आचरण कितना करते हैं ये बात अलग है। चोर भी, चार चोर जब चोरी का माल बांटते हैं तो कहते भैया ईमानदारी से बांटना, चुराना नहीं। चोरी का माल भी ईमानदारी से बांटने की जरूरत पड़ती है, तो किसमें नैतिकता के बीज नहीं है? नास्तिक कोई नहीं, नास्तिक कहने वाला नास्तिक है। बौद्ध और जैन को नास्तिक बड़े जोर से कहा गया, वैदिक परंपरा में एक दूसरे को नास्तिक कहते हैं, कपिल को नास्तिक कहा गया, स्वामी शंकर आदि शंकराचार्य स्वामी ने वैष्णव को अवैदिक और नास्तिक कहा, तो वैष्णव ने शंकराचार्य को नास्तिक कहा, मायावादम अवैदिकम, मायावादी शंकराचार्य अवैदिक, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने इन दोनों को नास्तिक कहा, तो इन दोनों ने स्वामी दयानंद को नास्तिक कहा। बस वही गदा लगती है, गधे इकट्ठे हुए तो एक दूसरे की लात मारते हैं, हम मजहबी लोग एक दूसरे की लात मारते हैं, सब दूसरे नास्तिक हैं, नास्तिक है। ये नास्तिक शब्द निकाल देना चाहिए, नास्तिक काफिर कोई नहीं। मानव मात्र में नैतिकता के बीच है, जो जितना कर सके। कोई संप्रदाय मोक्ष का और स्वर्ग का रास्ता नहीं, सभी संप्रदाय अच्छे हैं। जीव दया होना चाहिए, जीववध गलत है, अपने अपने ढंग से सब चलते हैं। सभी सदाचार बताते हैं, दया करुणा रहम। कुरान में अगर कुरान से छाटा जाए तो ईश्वर के रहम के शब्द का एक छोटा सा ग्रंथ बन जाएगा। निहायत रहम वाला दयावान है ईश्वर, निहायत रहम वाला दयावान है, आयत आयत में भरा है। पूरे कुरान से छाटा जाए तो एक छोटी पुस्तक बन जाएगी रहम और दया की। संसार के सारे संप्रदाय जीव दया और करुणाशील बताते हैं। कोई संप्रदाय मोक्ष का एकाधिकारी और स्वर्ग का एकाधिकारी ठेकेदार नहीं। स्वर्ग मोक्ष अपने व्यक्तिगत जीवन के कर्तव्यों का परिणाम है। अमुक मत का गुरु चाहिए ऐसा कुछ नहीं, गुरु चाहिए बोधवान। इंग्लिश आपको सीखना है तो साहू चाहे कि बाबन चाहे कि मुल्ला चाहिए, कबीरपंथी चाहे कि वैष्णव, जो इंग्लिश ठीक से जानता हो बस, और कुछ हो। संस्कृत जानना, अरबी जानना है तो उसका विद्वान चाहिए। कल्याण चाहिए जो कल्याण को समझता हो और कल्याण में स्थित हो। दुखहीन अवस्था कल्याण की दशा है। जिसका मन दुखी न होता हो, जो परमानंदमय हो, वो कल्याण स्वरूप है। और ऐसे गुरु की जरूरत है, उससे समझो विचारो। गुरु रास्ता बताएगा, बंधन आपको काटना पड़ेगा क्योंकि आपने बनाया है। जो हम मन से सोचते हैं, वाणी से बोलते हैं और इंद्रियों से करते हैं, इसके संस्कार पड़ते हैं। इन संस्कारों का समुच्चय मन में होता है। चित्रगुप्त पाप पुण्य लिखते हैं, ये हिंदू समाज में कहा जाता है।
इस्लाम में भी कहा जाता है दो फरिश्ते हैं जो कंधों पर बैठे रहते, एक पाप लिखता है एक पुण्य लिखता है। ये बातों को समझाने के लिए चित्रगुप्त का अर्थ है गुप्त रूप से चित्र खींचना, मन में संस्कारों का चित्र मन में खींचता रहता है और वो हमारे लिए थाती बनती है अच्छी और बुरी। सतत सावधान, मेरा सोचना, मेरा बोलना, मेरा करना मेरे लिए पूंजी बनेगी, अच्छी पूंजी गलत पूंजी, और उसमें परिवर्तन और सुधार मुझे ही करना है, कोई दूसरा नहीं कर देगा। ईश्वर कभी नहीं काट सकता है बंधन, ईश्वर तो दयालु है। आज तक आपका बंधन नहीं कटा, कैसे काट देगा? काट देना होता तो काट देता। ईश्वर का नाम लेकर के आपस में लड़ने वाले, रक्तपात करने वालों को नहीं समझा पाया, आपका बंधन कैसे काट देगा? आप अपने बंधन को खुद काटें। कर्म करने की प्रेरणा कहां से मिलती है? प्राय गाते ऊपर वाला करवाता है। ईश्वर की इच्छा के बिना तृण नहीं हिलता है, ये बात बहुत बढ़िया लगती है और लगता है कि बड़ी भक्ति की बात निचोड़ करके कह दी गई है, लेकिन ये भावुकता है। ईश्वर की इच्छा बिना तृण नहीं हिलता है तो दुनिया में जितना दुराचार होता है वो कैसे होता है? जब गत वर्ष में बंबई में ट्रेन में विस्फोट कई जगह हुआ, निरपराध लोग मारे गए, ईश्वर की इच्छा नहीं होगी वही करवाया होगा? उपासना स्थल में लोग उपासना में बैठे हैं, पूजा में बैठे हैं, नमाज में बैठे हैं, आतंकवादी आते हैं भून के चले जाते हैं, क्योंकि ईश्वर की प्रेरणा है। वैसे ये जो घूस लेते देते ईश्वर की प्रेरणा है। जब घर का मालिक सोने चलता है तो कहता है भगवान अब मैं सोने जा रहा हूँ, तू ही रक्षक है। और दीवार के आड़ में खड़ा हुआ चोर दीवार में अपना औजार लगाता है, भगवान अब मैं नकब काटता हूँ, दांव लगाना। दोनों ईश्वर को पूछते हैं। ईश्वर ईश्वर कहना तो सही है, सब कहते हैं, ईश्वरत्व को कौन समझता है? ये सब ईश्वर हैं, भगवान हैं, देवी देवता हैं। घंटा घंटा पूजा करने वाले ईश्वर की दुकान पर और ऑफिस में बैठते हैं तो गोलमाल करते हैं, बिना घूस लिए काम नहीं करते और गोलमाल करते हैं व्यापार में। एक ही जगह नहीं है, पुजारी उपासक सब नहीं, पुजारी और उपासक गड़बड़ करते हैं, लेकिन सब नहीं करते हैं। सब ईश्वर भक्त गड़बड़ है ऐसी बात नहीं, असली ईश्वर को नहीं समझते हैं। हम समझते हैं या तो पत्थर की पिंडियों में ईश्वर है या तो शून्य आकाश में ईश्वर है, इन प्राणियों में नहीं है। इसलिए पत्थर की पिंडियों को पूज लिया तो भगवान की भक्ति हो गई, और आकाश में पुकार लिया तो भगवान की भक्ति हो गई, और प्राणियों के साथ दुर्व्यवहार करें तो कोई अर्थ नहीं। यही भक्ति दुर्दशा किए हुए है, ये भक्ति नहीं है, विनाश है। न तो पत्थर की पिंडियों में भगवान है, न आकाश में भगवान है, भगवान इंसान में प्राणियों में। घट घट में वही साईं बसत है, कटुक वचन मत बोल रहे। आपसे कोई भी कर्म नहीं करवाता है, आप कठपुतली नहीं हैं, आप अपने कर्मों के कर्ता और विधाता। भक्ति के नशा में खूब कहा जाता हम कठपुतली ईश्वर सूत्रधार है, लेकिन कोई सोचता है इस पर? बस कहते हैं, तकिया कलाम है, तकिया कलाम, बात करते करते तकिया लगाना तकिया कलाम कहलाता है। जैसे कुछ लोग मतलब बहुत कहते हैं, एक सज्जन आए कहे महाराज मतलब है कि मैं बस पर बैठा तो मतलब है बस बिगड़ गई, मतलब है कि बनने में बड़ी देरी हो गई इसलिए मतलब है देर में आया। मैंने कहा भैया तुम्हारे मतलब से मैं परेशान हो गया, बेमतलब की बात करो। तो ये मतलब, ये तकिया कलाम, भगवान की इच्छा। एक वैष्णव आए मिलने के लिए, कहे महाराज हमारे आश्रम में 3 कमरे खाली थे राम जी की इच्छा से, राम जी की इच्छा से उसको किराए पर उठा दिया, राम जी की इच्छा से किराएदार किराए नहीं देता। तो मैंने कहा क्या बुरा करता जब राम जी की इच्छा से नहीं देता, हर बात में उनको राम जी की इच्छा कहना है वो चाहे जो, ये तकिया कलाम से काम नहीं चलेगा। ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने कि भीतर वाला जाने,
सबके भीतर में जो हो रहा है वही असलियत है। चौपर खेल होत घट भीतर, जन्म कपासा डारा, दम दम की कोई खबर न जाने, कोई कह न सके निर्वारा। चौपर खेल सबके अंदर में हो रहा है, मन बुद्ध चित अहंकार का, उसको समझो, भाग करके बच नहीं सकते हो। कोई ईश्वर कोई शैतान हमसे कुछ नहीं करवाता है, जो कुछ हम सोचते बोलते और करते हैं उसके पूरे जिम्मेदार हम हैं। यही असलियत है और इसी असलियत को स्वीकारने से हम अपना सुधार कर सकते हैं। अगर ईश्वर सब करवाता है तो हम सुधार ही नहीं कर सकते। तो ये प्रवचन का पंडाल बनाने को आयोजन की क्या जरूरत, आप कठपुतली हम भी कठपुतली, कठपुतली कठपुतली कौन समझावे और समझने की जरूरत क्या। हम आप कठपुतली नहीं है, हम आप अपने कर्मों के कर्ता और विधाता स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र व्यक्ति ही कर्ता होता और कर्ता भोक्ता होता है, लेकिन इतना भ्रम महात्माओं पंडितों ने डाल रखा है, मौलवियों ने, कि सब ऊपर वाला करवाता है, हम कुछ नहीं करते। जीवन में कोई बुराई ना हो तब आप कह सकते जो कुछ मेरे द्वारा होता सब भगवान कराता है, वो भी भावुकता होगी, लेकिन तब कह सकते हैं। अच्छा बुरा सब करते हैं और भगवान कराता है, भाग करके बच नहीं सकते हो। यह स्वीकारना होगा कि मन वाणी और इंद्रियों का बर्ताव करने की जितनी जिम्मेदारी ही मेरी है। भगवान की माया नचाती है, ये माया भी महारोग है। भगवान पवित्र है, उसने दुनिया क्यों बनाई, कैसे बनाई? जब भगवान पवित्र है तो दुनिया कैसे बना सकता है पवित्र, उबड़ खाबड़ संसार, रोग में, दुख में, पाप में। तो फिर लोगों ने कहा कि ईश्वर ने माया से बनाई। माया क्या है, तो माया को समझाने में बड़ी कठिनता हुई, वो सब विवरण देना यहाँ अवसर नहीं है। अब माया से ईश्वर ने एक बार दुनिया बना दी, अब माया बैठी ठाली क्या करे। तो माया को ईश्वर ने सबके ऊपर दौड़ा दिया, इन सबको परेशान करो, क्योंकि माया काम चाहती थी, मुझे काम दो। ईश्वर काम नहीं दे पाता तो ईश्वर ही को परेशान करती। तो ईश्वर ने मनुष्यों पर दौड़ा दिया, प्राणियों पर, कि इनको परेशान करो। तो माया सबको परेशान कर रही है, ये सब भूल भुलैया है। दुनिया बनी कब, दुनिया कब नहीं है। मूल द्रव्य नित्य है, इनके गुणधर्म नित्य हैं, इनमें क्रियाएं नित्य हैं, इनसे जगत प्रपंच भी नित्य। पहले मुर्गी की अंडा, मुर्गी पहले बिना अंडा के, हाँ हाँ पहले अंडा, बिना मुर्गी कैसे, तो गोल हो जाते हैं। पहले बीज है कि वृक्ष, बीज वृक्ष मुर्गी अंडा स्त्री पुरुष सब प्रवाह रूप नित्य। जगत बना कब है, कुद दर्श प्रथमम जायमानम अस्तनवंतम यदन अस्थाविवर्त, ये ऋग्वेद का ऋषि कहता है। किसने देखा पहले जगत बनते हुए, जगत सदा से है। तहिया होते पौन नहीं पानी, तहिया सृष्टि कौन होते पानी। साहब कहते जब पौन पानी नहीं थे तो दुनिया किसने बना दी। ये पौन पानी सब कुछ नित्य है, शून्य से नहीं पैदा हो गए। सत्ता नित्य है, विज्ञान भी मानता है कि सत्ता का एक कण नष्ट नहीं होगा और एक कण नया बन नहीं सकता है। सब कुछ सदा है, परिवर्तन है, और यही बनना बिगड़ना है जो हो रहा है, इसको नए सिरे से कोई नहीं बनाया। माया व्यर्थ की बात है, ईश्वर की माया। एक दयालु आदमी भी दूसरे को परेशान नहीं करता है। ईश्वर को आप दयालु मानते हैं कि निर्दय, सवाल ही नहीं होता है ईश्वर निर्दय हो। जब दयालु है तो माया कैसे रखेगा। आपके मोहल्ले में एक आदमी हो जो कटही कुतिया पाले हो और सब पर दौड़ा दे और सबको कटवावे, तो आप लोग पंचायत करके उसको रोकेंगे, नहीं मानेगा तो थाने में जाएंगे। आज तक ईश्वर अपनी माया सब पर दौड़ा रही है और आप थाने तक नहीं गए, ये कब तक झेलते रहेंगे। ईश्वर की माया, ईश्वर की माया हमें भटकाती है, ये कहना बंद करो। आपकी माया आपको भटकाती है। तंबाकू खाना शुरू किया, ईश्वर ने खिलाया है। बीड़ी पीना शुरू किया,
गुटखा घिसना शुरू किए। ईश्वर ने कहा है कि करो। अभी मैं जब वहां से निकला तो एक आदमी जवान पड़ा था, तो जो सज्जन गए थे मैंने कहा क्यों पड़ा है, कहीं महाराज एक शराब पी करके डाउन है। ईश्वर ने पिलाया उसको, ईश्वर की माया सबको नचा रही है। एक सज्जन कहे महाराज सत्संग में तो आना था लेकिन क्या करूं, ईश्वर ने ऐसी माया डाली है परेशान। तो मैंने कहा हटो ईश्वर से नहीं तो और परेशान करेगा, तो हंसने लगे। एक तरफ कहते हैं ईश्वर सच्चिदानंद है, दयालु है, कृपालु है, दूसरे तरफ कहते हैं ईश्वर की माया सबको नचा रहे हैं, उलझा है समाज, उल्टी पलटी सारी बातें शास्त्रों में भरी है। कबीर साहब का दोहा जिसको साखी कहते हैं, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गए रहे थोथा दे उड़ाए। साधु वह प्रशंसनीय है जो सूप स्वभाव का है। साधु का अर्थ नहीं जो हमारे कपड़े में हो, कबीर साहब की दृष्टि से आप सब साधु हैं, वे मानव मात्र को साधु कहते हैं। साधु सज्जन वह प्रशंसनीय है जिसका सूप स्वभाव, सूप में फटक दिया जाता है, सूप से चावल रह जाता है, भूसी उड़ जाती है। ग्रंथों में लिखा है इसलिए न मान लो, हमारी पुस्तक में लिखा है, हमारी परंपरा की पुस्तक में लिखा है, पुरानी पुस्तक में लिखा है, बहुत मान्य पुस्तक में लिखा है, बहुत बड़े पुरुष ने कहा है, इसलिए मत मानो। बहुत लोग मानते इसलिए भी मत मानो। क्या लिखा है वो निर्णय युक्त है कि नहीं, युक्त युक्त है कि नहीं, कल्याणकारी है कि नहीं, ये विचार करो, इसलिए निर्णयी बनो। कबीर साहब शुभ का उदाहरण देते हैं और वेद के ऋषि चलनी का। वे कहते हैं सक्त में उत्तना पुनंतो यद्र धीरा मनसा वाचम कृत अत्रा सखाया सख्या न जानते भद्र ईशाम लक्ष्मी नेता दिवाच। जैसे चलनी से सत्तू छान लिया जाता है, सत्तू से आप लोग परिचित प्राय नहीं। सत्तू वैदिक युग में खूब बनाया जाता था और खाया जाता था सोमरस में घोर कर, अब ऐसे भी सत्तू भुना हुआ आटा बिहार में आज भी खूब बनाया जाता, उत्तर प्रदेश में था लेकिन वहाँ भी करीब करीब उड़ गया है, बिहार में है। बिहार में तो गली गली में आपको सत्तू बिकते हुए मिल जाएगा। तो सत्तुमेव तितौना, तितौना नाम चालना, तितौ नाम चलनी। चलनी से जैसे आटा चाला जाता है वैसे विवेक से वाणी को चाल लो। हमारी परंपरा के महापुरुष कहे इसलिए न मान लें, हमारे पूज्य हैं इसलिए न मान लें, हमारी मान्य पुस्तक हमें इसलिए न मान लें। अतिशयोक्त में कहा है कि यथार्थ कथन कहा है, अतिशयोक्त भाव उगता, मास दिवस का दिवस भाव मरम न जाने कोय, रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि हुए। महाराज राम का जन्मोत्सव देखने के लिए सूरज रुक गया, जब अयोध्या के ऊपर आया तो रुक गया, एक महीना रुका रहा देखता रहा। अब जब रुक गया तो सूरज तो घोड़ा थक गए बेचारे कैसे चले, मरम कोई मरम नहीं जाना, गोस्वामी जी जाने, वाल्मीकि जी नहीं जाने क्योंकि वाल्मीकि ने नहीं लिखा। ये अति श्रद्धा का प्रयोग, सूरज आग का गोला है, पृथ्वी से बहुत बड़ा है, लव है, वो कोई चेतन नहीं है, वो जहाँ है तहाँ है, उसमें अपनी क्रिया है। तर्क युक्त बातें युक्त युक्त बातें अलग हैं, भावुकता की बातें अलग हैं। भावुकता केवल कभी नहीं करते, आप लोग भी करते हैं। कोई पानी लाया पीने के लिए गिलास, उसमें घास के दो कण हैं, आपने कहा यार इसमें एक टोकरी घास डाल दियो, दो कण और एक टोकरी में कितना फर्क है। तो अतिशयोक्तियों में, भावुकता में, अतिश्रद्धा में, धार्मिकों ने तो अतिश्रद्धा में बहुत काटा। जो कबीर साहब नहीं जानते थे कबीर पंथी कबीर साहब के पीछे लगा दिए। महाराज राम और कृष्ण जो नहीं जानते थे उनके पीछे उनके भक्तों ने लगाया, तथागत बुद्ध और महावीर स्वामी जो नहीं जानते उनके पीछे उनके भक्तों ने लगाया है। नाम कहाँ तक लिया जाए, जैसे नानक साहब हैं, दादू साहब हैं, या और भी दुनिया के संत हैं, महापुरुष हैं, अनुगामियों ने अति अतिशयोक्तियाँ की हैं। अति श्रद्धा का पागलपन सर्वत्र व्याप्त है और इसीलिए विषमता है, इसीलिए एक दूसरे को नास्तिक काफिर भी कहते हैं।
सजगता की जरूरत है। विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है और धार्मिक लोग अभी भी वही प्रपंच फैला रहे हैं। अभी कुछ वर्षों के पूर्व गणेश जी को दूध पिलाया गया और एक ही दिन श्रद्धा रही पिलाने की। अगर वो 4-6 महीना पिलाते रहते तो गणेश जी घूमने फिरने लगते। अब आपके विवाह इत्यादि में स्वयं आकर के बैठ करके कई विवाह बीतते हो जाता। पत्थर की मूर्त दूध पीती। अगर ऐसा कहो तो अरे ये धर्म पर आक्षेप करते हैं। धर्म का मतलब मोगा पंथीपन। कबीर साहब ने इसको खूब कस के कहा उस जमाने में, अब आज तो कहना ही चाहिए, सब समय कहना चाहिए। जो कबीर, जिस कबीर ने सारे अंधविश्वासों को छिलके तरह उड़ाया, उस कबीर के पीछे कबीर प्रेमियों ने ऐसी ऐसी बातें लगाई जो क्या कहा जाए। कबीर साहब आज आ जाए तो कबीर पंथियों को डांटेंगे, राम और कृष्ण आ जाए अपने अनुगामियों को डांटेंगे, सब अपने अपने अनुगामी को डांटेंगे कि तुम लोगों ने क्या कर डाला है। ये पक्का समझ लो, जो सृष्टि क्रम विरुद्ध है, युक्ति युक्त नहीं है, चमत्कारी बातें हो, सब की सब जालसाजी, सच नहीं। निर्णयी बनो, विवेकी बनो, ज्ञानवान बनो। आपकी माया आपको भटकाती है, दूसरे की माया नहीं। ईश्वर की माया भटकाती, इसको भूल जाओ। हमारी माया हमें भटकाती। माया है मन का मोह। कबीर साहब ने कहा माया माया सब कहे, माया लखे न को, जो मन से न उतरे माया कहिए सोए। जो मन में चढ़ी रहे वो माया है, वो आसक्ति वैर और प्रेम मोह। प्रेम तो शुद्ध है, मोह मोह वैर ये चित्त में चढ़ा रहता है, ये माया है, इसको जीतो। परमात्मा, मोक्ष, परमानंद, कल्याण, निर्वाण, जन्नत, स्वर्ग की प्राप्ति, ये शब्द अलग अलग हैं, बात एक है। निर्मल मन और आत्मा में लौट आना, अपने में लौट आओ। ध्यानाभ्यास सबको करना चाहिए। अकेले में बैठो, ध्यान शुरू करो, आंखें बंद करो। बंद आंखों में जो अंधकार प्रकाश दिखाई दे उसी में मन को ठहराओ, उसी पर ध्यान दो, तो चंचल चित्त थोड़ा स्थिर होगा। सांस आती जाती है, सांस पर मन ठहराओ तो मन स्थिर होगा। कोई आधार में मन को ठहराओ, ये पहली साधना है। अंतिम साधना है, नदी के किनारे गए और नदी के किनारे बैठे हैं, तरंग मालाओं को देखते हैं, बातें नहीं केवल देखते हैं। तैसे मन को देखो, मन में बहो ना, सारे संकल्पों का त्याग करो। त्याग करते करते जब निर्विकल्प मन हो गया तो यह अंतिम समाधि है। निर्विकल्प संकल्प शून्य अवस्था, प्रपंचोपशमम शांतम शिवमद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते सा आत्मा स विज्ञेया, ये उपनिषद का वचन है। जब प्रपंच शून्य हो गया, मन शांत हो गया, तो ये शिवत्व का उद्घाटन हो गया। शिव कल्याण को कहते हैं, शिव को धतूरा लोग चढ़ाते हैं, शिव जी धतूरा नहीं खाते हैं, ये विकृत है। शिव नाम कल्याणमय। शिवत्व आपके अंदर में है, ब्रह्मत्व आपके अंदर में है। पुरानी परंपरा में प्रार्थना करने का रस्म ज्यादा था। वेद के सारे ऋषि प्रार्थना प्रधान है, वे प्रार्थना खूब करते हैं। बाइबिल में प्रार्थना है, कुरान में प्रार्थना है। ध्यान का विकास भारतीय परंपरा में हुआ, इसलिए यहाँ पर ध्यान विकसित हो गया। ईसाइयों में और इस्लाम में ध्यान का विकास बहुत कम हुआ, इसलिए आज भी प्रार्थना प्रधान हुआ है। और भारतीय परंपरा में ध्यान का विकास हुआ, इसलिए ध्यान बढ़ गया। ध्यान का अर्थ है ध्यानम निर्विषयम मन, मन का निर्विषय हो जाना। मैं कहूँ कि आप लोग ध्यान करो तो यहाँ राम उपासक श्री राम का ध्यान करेंगे, कबीर उपासक कबीर साहब का, कृष्ण उपासक कृष्ण का, ईशा उपासक ईशा का, बुद्ध उपासक बुद्ध का, महावीर उपासक महावीर का। लेकिन मैं कहूँ आप लोग सारे संकल्पों को छोड़ दें, निर्विकल्प हो जाए, तो जब सारा संकल्प छूट गया तब क्या रहा? न राम, न कृष्ण, न कबीर, न बुद्ध, कोई नहीं, तब शांति बसता रहे। इसलिए आरंभिक साधना में सगुण उपासना मान्य है, अंत में निर्गुण दशा आ जाती है, वहां कोई संकल्प नहीं, संकल्प शून्य अवस्था, वो एक दशा है, उसमें विभिन्नता नहीं है।
हम कबीर उपासक कबीर का ध्यान कर रहे हैं, आप श्री राम उपासक राम का ध्यान कर रहे हैं, लेकिन जब दोनों निर्विकल्प हो गए तब न राम न कबीर, वहाँ शुद्ध शांति अवस्था रही, शुद्ध चेतन तत्व और शांति अवस्था, इसमें एकता, यही अंतिम पद है, दुखों का अंत यही है। जब निर्विकल्प अवस्था हो जाए ध्यान में तो ध्यान की पूरी अवस्था है, और जब व्यवहार में आए तो मन निर्विकार हो। आभ्यासिक समाधि और व्यवहारिक समाधि, समाधि के ये भेद हैं। आभ्यासिक समाधि, अभ्यास काल में समाधि, जब आंख बंद करके साधक बैठा तो संकल्प शून्य हो गया, तो समाधि की अंतिम अवस्था में पहुंच गया, और जब वहां उठा काम धाम करता है, खाता पीता, बातचीत करता, हंसता बोलता है, तो आभ्यासिक समाधि में नहीं है। लेकिन अगर वह आभ्यासिक समाधि करता है तो व्यवहारिक स्थिति में भी निर्विकार रहेगा, इसलिए व्यवहारिक समाधि है निर्विकार होना, निर्विचार और निर्विकार। आभ्यासिक अवस्था में निर्विचार हो जाना, विचार शून्य शांत, और व्यवहार में निर्विकार रहना, मल न रहना, मन में कोई मैल न रहना, राग द्वेष कला कल्पना चिंता उद्वेग, ये मन का मक्खन, ये मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर फिरे कहे कबीर कबीर। मन जब गंगा जल के समान निर्मल हो गया तो पीछे पीछे हरि घूमते हैं कि कबीर मैं आपकी क्या सेवा करूं, हमारे पीछे शैतान घूमेगा या भगवान घूमेगा, शैतान भगवान कोई अलग नहीं है, चोर के पीछे पुलिस घूमती है, पुलिस नहीं है लेकिन हरदम उसको लगता है कि पुलिस आ रही है, क्योंकि वो काम अच्छा नहीं है, खराब काम करने वाले के पीछे भय घूमता है, पवित्र आत्मा के पीछे निर्भयता आनंद शांत मधुवातारिताय ते मधुछरंद सिंधवा माधुर्न संतोषधी, ये वेद के ऋषि कहते हैं। नियम से चलने वाले के लिए नदियां मधु बहाती हैं, वनस्पतियां मधु बरसाती हैं, और मधुछरंद सिंधवा नदियां मधु बहाती हैं और हवाएं मधु ढोती, जो नियम से चलता है, कायदे से चलता है, जो अपने मनवाणी इंद्रियों पर संयम रखता है, उसके लिए हवाएं मधु लाती हैं, वनस्पतियां मधु बरसाती हैं, नदियां मधु बहाती हैं। इसका लाक्षणिक अर्थ हुआ जो पवित्र आचरण से चलता है, किसी को तकलीफ नहीं देता है, अपने मनवाणी पर संयम रखता है, अंतर्मुख होता है, अंतर संतुष्ट होता है, वो आनंद में रहता है, पूरी सत्ता उसके लिए मधु वर्षणी हो जाती है, आनंददायक हो जाती है। ये काम करने के लिए हम लोगों को जीवन मिला, कमाना खाना ठीक है लेकिन कमा खा करके करना क्या चाहिए, क्यों कमाते हैं खाने के लिए, क्यों खाते हैं जीने के लिए, क्यों जीते हैं पता नहीं, ये कोई जीवन है? कमाओ खाने के लिए, खाओ जीने के लिए, जियो कल्याण के लिए, कल्याण वाला काम बाकी रह जाता है। जीवन हमारा ऐसा होना चाहिए कि नींद खुले और मेरे मन में कोई झटका ना हो, कोई तकलीफ, कोई चिंता ना हो, कोई उद्वेग ना हो, दिन भर हम अपना काम करें, ध्यान भजन पूजन जैसा जो कुछ करते हो करें, शांति से रहें, नींद में जाएं सुख से सो जाएं, सुख से सोएं सुख से जागें, सुख से जिए सुख से मरें, मरने को न भूलें। लोग कहते महाराज सुख से जिए तक कहो, मरने का नाम न लो, जबकि उसके द्वार से सबको निकलना है। लोग आजकल धनी लोग विवाह दिवस मनाना शुरू किए, जन्मदिवस तो मना ही रहे हैं, विवाह दिवस मनाना शुरू किए धनी लोग। धनी वो खुराफात सोचती है, पैसा ज़्यादा है इसलिए खुराफात में लगाना है। एक 85 वर्ष का बुढ़वा विवाह दिवस मना रहा था तो लोग कह रहे थे मूर्खता दिवस मना रहा है, विवाह को भूलना चाहिए कि याद करना चाहिए? याद तो मौत की करनी चाहिए, मौत की याद करो। अंत वेराया में तत्रेम प्रतिपद्येत अष्टमस अच्युतमस प्राण संस्तमस। घोरांग्रस ने श्री कृष्ण महाराज को छांदोग्य उपनिषद में समझाया है, श्री कृष्ण शिष्य थे, घोरांग्रस गुरु थे,
अंत वेला के लिए मैं तुम्हें तीन उपदेश करता हूं, तुम अच्छे हो, न पतित होने वाले हो और सूक्ष्मतम हो। तुम अच्छे हो, अविकार हो और सूक्ष्म हो, अपनी आत्मा को याद करो। ये शरीर नश्वर है और नकली है, ये नकली शरीर में नहीं हूँ, प्राणों का समुच्चय में नहीं हूँ, मनोमय में नहीं हूँ, बुद्धि में नहीं हूँ, अहंकार में नहीं हूँ, सुखानुभूति जो होती है अनुकूलता में ये मैं नहीं हूँ, ये सब नकली है। मैं तो शुद्ध चेतन ज्ञान स्वरूप हूँ, उसी को ऋषियों ने ब्रह्म कहा, कबीर साहब ने उसको ज़्यादा राम कहा। मैंने कल कहा था, कबीर साहब जब अपने काव्य बोल रहे थे तो उसके कम से कम 500 वर्ष पूर्व से राम भजन चल पड़ा था और हरि भजन 1000 वर्ष के पूर्व से चल पड़ा था। वेदों में हरि शब्द है लेकिन हरि का अर्थ है अश, सूर्य की किरणों को अश कहा गया है और उसको हरि कहा गया है। वाल्मीकि रामायण में हरि का अर्थ वानर है। ये हरि शब्द का ईश्वर और आत्मा परक अर्थ ईसा के बाद शुरू हुआ है, ज्यादा गुप्त काल में फला फूला हरि शब्द। कबीर साहब ने वैष्णवों के शब्दों को लिया है, हरि सारंगपाण राम, लेकिन उनका राम, उनका सारंगपाण, उनका हरि अंतरात्मा है। पंडितों ने भी ये कहा, रमन्ति योगिनो जस्मिन् रामः, योगी जन जिसके विषय में रमण करते वो राम है। सगुण उपासना एक दूरी तक है, सगुण निर्गुण पर मैं नहीं कह सका, संयोग पड़ेगा तो फिर कहा जा सकेगा। सगुण उपासना की थोड़ी दूरी है, उसके आगे चल करके निर्गुण में ही पहुंचना है। जैसे मैंने कहा कि राम कबीर कृष्ण बुद्ध के अनुगामी उनका ध्यान करेंगे, लेकिन जब संकल्प शून्य अवस्था में आएंगे तो एक दशा हो जाएगी। तो अंतिम दशा वही तत्व है जिसमें एकता है। सगुण उपासना में विभेद है, विभेद होना बुरा नहीं है, लेकिन जब वो पकड़ करके बैठ जाते तब गलत होता है। राम श्री राम के कट्टर पक्षधर, कबीर साहब के कट्टर पक्षधर, कृष्ण के कट्टर पक्षधर, ये लोगों ने धर्म को बिगाड़ दिया है। हरे राम हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये नारा लगाने वाले स्कान वाले लोग, जब उनसे पूछा गया कि ये आपने बड़ा अच्छा किया कि जो कृष्ण के साथ राम को भी आपने लिया और एक राम कृष्ण में तो समन्वय किया, तो बहुत सोचा गए। उन्होंने कहा ये राम अयोध्या के नहीं है, ये बलराम है, कृष्ण के बड़े भाई। यानी वो लोग श्री राम को नहीं लेना चाहते, जो हरे राम कहते हैं वो बलराम है, कृष्ण वाले राम की छाय नहीं छूना चाहते। और राम वाले कृष्ण की आप अयोध्या में जाके देखो, सीताराम की धुन गली गली में है। मैं तो अयोध्यावासी हूँ, सीताराम की धुन गली गली में है और कृष्ण वहाँ नहीं, लेकिन जाकर के मथुरा वृंदावन में राधे कृष्णा राधे कृष्णा, अब कहते कहते राधे राधे कहने कृष्ण को भी छोड़ देते। तो जब जो जिसको पकड़ लिए वही पकड़ के बैठ जाते हैं, यही गलत है। आरंभिक साधना में ठीक है, अपने अपने पूज्य पुरुषों का आदर करो, लेकिन अंत में तो जैसे नदियां समुद्र में मिल गई, एक सागर विशाल, वैसे सारे संकल्प शून्य हो गए, सारे आकार मिट गए, उस अवस्था में शुद्ध शांत चेतन अवस्था है, निर्विकल्प अवस्था है, गुणातीत अवस्था है। साहिब ने कहा है, सर्वगुण की कर सेवा, निर्गुण का करो ज्ञान, सर्वगुण निर्गुण से परे तहां हमारा ध्यान, सगुण की सेवा करो, ये प्राणी सगुण भगवान है और निर्गुण अंतरात्मा है, इसका ज्ञान करो। और ध्यान दोनों से ऊपर है, क्योंकि ज्ञान में ध्यान नहीं होता है, ज्ञान पहले है। जहाँ पर संकल्प शून्य हो जाएगा तब ज्ञान कहाँ रहेगा, तो ध्यान तो ऊपर हो गया। ये जरा ज़्यादा समझने की चीज़ है, लेकिन अभी इसको विशेष समझाने की फुर्सत नहीं है। मैंने आपसे कहा था कि जीवन का लक्ष्य हमारा क्या है, इसको समझें। मनुष्य केवल मनुष्य है, मनुष्य में दो जाति नहीं, संप्रदाय बनते भी गढ़ते रहते हैं, धर्म एक है जो सनातन है। सनातन का मतलब नित्य, सदा अनादि अनंत, संयम और शील। अपने कर्मों का करता हम खुद हैं,
कोई हमसे करवाता नहीं, भगवान की माया हमें नहीं।